गाड़ी ऑलमोस्ट 6 फीट से ऊपर है गाड़ी, 5। ठीक है, उसके बाद 4x4 ट्रांसमिशन भी मैं आपको अंदर से अंदर चल के बता दूंगा कैसे अप्लाई होता है वो। और हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एक्सप्लोर द वेज। तो आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो गाड़ी आपको पूरे एमपी में सिर्फ यहीं पे मिलेगी, पटवा मोटर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर देवास नाका। तो गाड़ी कौन सी है ये देख लो, ये खड़ी मेरे पीछे इसुजु। ये गाड़ी ऐसी है जिसको आप फैमिली पर्पज एज वेल एज कमर्शियल एज वेल एज कैंपेनिंग ऑफ रोडिंग लद्दाख कहीं भी ले जा सकते हो इसको बिना सोचे समझे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस टाइप से दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इसका फ्रंट प्रोफाइल। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना है इस वीडियो में, और व्लॉग में बने रहना आखिरी तक क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले ये देखो इसमें हेडलाइट्स जो आ रही है यहाँ पे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ रहे हैं दोनों साइड फ्रंट में। उसके नीचे फॉग लैम्प हाउसिंग प्लस फॉग लैम्प भी लगा हुआ है इसमें, और बीच में इसका इसुजु का बैजिंग। और यहाँ से देखो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है इसका, ऑलमोस्ट 230 से 240 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। और ये ऊपर इसका छत, इसका जो रूफ है ये ऊपर दो रूफ रेल लगी हुई है। ये गाड़ी में एक्सेसरीज काफ़ी सारी लगी हुई है। अब चलते हैं अपन इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, ब्लॉग में बने रहना एंड तक क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है ये। अब अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ मैं, तो ये इसका ड्राइवर साइड और राइट साइड वाला साइड प्रोफाइल है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 18 इंच के इसमें अलॉय व्हील डले हुए हैं और हाईवे टेरेन टायर डले हुए हैं 18 इंच के, और वी क्रॉस की बैजिंग है इसके डोर पर। थोड़ा पास से दिखाता हूँ, और साइड मिरर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका, क्रोम के एक्सेसरीज भी लगे हुए हैं। पीछे का व्यू इसमें पूरा मिल जाएगा आपको अच्छे से। टायर्स 18 इंच का अलॉय और 255/60 R18 का टायर है, और काफ़ी बड़ा टायर है। टायर के बीच में अभी भी इतनी स्पेस है कि इसको आराम से 22 इंच तक बढ़ा सकते हो टायर, इवन 24 भी कर सकते हैं। फुटरेस्ट पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है इसका। ये इसका फर्स्ट डोर जिसपे बैजिंग है वी क्रॉस की, ये इसका सेकेंड डोर। और थोड़ा और पीछे जाए तो ये 4x4 की बैजिंग है इसकी, गाड़ी 4x4 के साथ में आती है, 1900 सीसी का इंजन, नॉट 2500 सीसी ये इंजन लगा हुआ है। तो ये है इसका ड्राइवर साइड। अब चलते हैं इसके अपोजिट साइड अपन, को ड्राइवर साइड पे इसको देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या एलिमेंट लगे हैं इसमें। गाड़ी का को ड्राइवर साइड कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल सिमिलर है, बस डिफरेंट है तो एक इसमें फ्यूल लीड दी हुई है यहाँ पे, ये जो है ना ये फ्यूल लीड दी हुई है यहाँ पे, यहाँ से आपका डीजल डालने का है, यहाँ पे डीजल डालने का जो टैंक है उसका इनलेट है, यहाँ से डीजल डलता है। बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसके लेफ्ट साइड में को ड्राइवर साइड पे। अब चलते हैं अपन गाड़ी के टेल के साइड और गाड़ी का जो लगेज सेक्शन है उस पर चलते हैं। ये जो दिख रहा है लगेज सेक्शन, इसमें यहाँ पे चलते हैं अपन, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। सो ये जो दिख रहा है पूरा, ये इसुजु का टेल है, टेल प्रोफाइल और रेयर प्रोफाइल बोल सकते हो। पीछे से कैसी दिखती है गाड़ी, थोड़ा पास चल के देखते क्या क्या है इसमें। ये सबसे पहले इसके टेल लैम्प्स है, काफ़ी बड़े साइज के हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं, ब्राइट भी है दिखने में भी। और बैजिंग है इस साइड में इसुजु डी मैक्स, बीच में इसुजु वी क्रॉस वेरिएंट है, डी मैक्स ही बोलते हैं। और इधर अपना ऑटोमेटिक उसकी DDI इंजन के स्पेसिफिकेशन की बैजिंग है। यहाँ पे बीच में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है और दो पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं नीचे बम्फर पे। ये डक ओपन हो जाता है, ये जो ऊपर की साइड है ये डक है, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, अलग से लगा हुआ है, जो इसका लगेज है उसको सेफ करने के लिए है, पानी वगैरह नहीं जाए, धूप नहीं लगे, इसमें कुछ सामान रखा है तो सेफ्टी से। तो ये इसका पूरा रेयर प्रोफाइल। इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करूँ उसके पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो मुझे अभी पता चली है, इसका बोनट उठाते टाइम पूरी एक्सरसाइज हो गई इसका बोनट उठाने में, काफ़ी हैवी बोनट है इसका, और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, इसके इंजन का CC कितना है, पावर कितना है इसमें,
4x4 ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें इसमें अपन एक बार डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते हैं मतलब मैं आपको पूरा स्पेसिफिकेशन देता हूँ इस गाड़ी का, इंजन Isuzu V-Cross का। सबसे पहले इसको पास से देखो, इस इंजन को कितना वेल मैनेज्ड है, इसकी इंजन हाउसिंग में प्लेस्ड है और कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें। काफ़ी हैवी दिख रहा है, दिखने में क्या है ही हैवी, काफ़ी हैवी इंजन है। 1900 cc का इंजन आता है और 168 HP पावर जनरेट करता है। इसमें टॉर्क है 320 Nm का टॉर्क है। 2000 से 2500 RPM पे ये टॉर्क ले लेता है। मतलब आप गाड़ी को एक्सीलेटर को एक बार टच करके पैर हटा लो, ये गाड़ी इजीली 100 पे चली जाएगी। और ये सिर्फ हाईवे पे नहीं, ये पहाड़ों पे ऑफ टेरेन ऑन टेरेन हर जगह इसमें यही परफॉर्मेंस निकल के आएगा। 4x4 में भी यही टॉर्क है, 4x2 में भी आप इसको चलाओगे तो यही टॉर्क है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ इसके इंजन स्पेसिफिकेशन और पावर फिगर्स के बारे में आपको कैसा लगा। और अगर इस पावर फिगर को आपको फील करना है इंजन के, तो आप यहाँ पे आओ पटवा Isuzu मोटर पे आओ इंदौर में। यहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव भी मिलेगी इस गाड़ी की, जल्दी आओ और टेस्ट ड्राइव लो इस गाड़ी की। तो ये तो हो गई इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात। अब इसके मेन मतलब इसका जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और जो पर्पस है इस गाड़ी का, वो पर्पस किस चीज़ से फुलफिल होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, 4x4 ट्रांसमिशन इस गाड़ी का जो इसको बनाता है इस सेगमेंट में सबसे डिफरेंट और सबसे पावरफुल चीज़, पावरफुल मशीन बनाता है। तो 4x4 ट्रांसमिशन मतलब ये जो इसके फ्रंट टायर और इसके रेयर टायर, ये दोनों ही घूमते हैं इसमें, चारों टायर घूमते हैं इसमें। इसके मोड्स रहते हैं, कैसे वर्किंग करता है सारा अंदर चल के बता दूंगा। इस सेगमेंट में मतलब इस सेगमेंट में इसका 4x4 सबसे कैपेबल है। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं, अंदर चलते हैं, पहले अंदर के फीचर्स देख लेते हैं, अंदर क्या क्या है गाड़ी के, उसके बाद 4x4 ट्रांसमिशन भी मैं आपको अंदर चल के ही बता दूंगा कैसे अप्लाई होता है वो और कैसे वर्क करता है। और आप कमेंट करो और जल्दी से इस गाड़ी के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो बता दो, तो नेक्स्ट ब्लॉग जब बनाएंगे अपन तो उसमें भी बता देंगे। और इसके अलावा और किसी गाड़ी का रिव्यू देखना हो वो भी बता दूंगा। तो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, व्लॉग में बने रहना। ये अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी है, ऐसी कार आई डोंट थिंक आपने पहले कभी देखा। नॉट अ कार, दिस इज अ पिकअप ट्रक। कार इसके लेवल में नहीं आती है, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो चलो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ एक बार जल्दी से क्या क्या है अंदर, और समझते हैं इसके अंदर पसंद आती है या नहीं आती है आपको गाड़ी, ये भी बताना कमेंट करके। अंदर से भी देख लो, ये देख लो गाड़ी का बोनट अभी ऊपर है, अभी इसको मैं नीचे रखूँगा और कितना हैवी है ये आपको पता चल जाएगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जो भी मैंने उठाते टाइम बताया था वो मैं आपको दिखा नहीं पाया था, फिर मेरे को पता नहीं था इतना हैवी लगेगा वो, तो मैंने जल्दी से उठा दिया था। लेकिन अब देखो इसको मैं नीचे कर रहा हूँ वापस से, तो इसमें देखना आप कितना हैवी है, आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखो देखा आपने, एक हाथ से उसको पकड़ना बहुत मुश्किल टास्क था। तो थोड़ी बॉडी बना लेना इस गाड़ी को अगर लेना है तो, इसका बोनट उठाना काफ़ी हैवी टास्क। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इस गाड़ी के अंदर और अंदर से दिखाता हूँ पूरा क्या है। सबसे पहले तो ये देख लो, रिक्वेस्ट सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। एक पिकअप ट्रक में भी रिक्वेस्ट सेंसर आना बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा फीचर है। या इसको आप प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और ये इसका डोर भी इसका सिमिलरली जैसा इसका बोनट वेटेड था उतना ही वेटेड है। तो ये इसका डोर देख लो, सबसे पहले ड्राइवर साइड वाला डोर पे लॉक अनलॉक, चार पावर विंडो और आपका विंडो लॉक, ये क्रोम फिनिश में आपका डोर ओपनर और डोर लॉक का पूरा की। यहाँ पे कुशीन है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का कुशीन है। यहाँ पे पियानो फिनिश में दे रखा है एक एलिमेंट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कुशीन है, यहाँ पे ड्राइवर को कंफर्ट फील होगा इस पे हाथ रख के चलाते टाइम। ये भी पूरा पियानो फिनिश दिया हुआ है। और ओवरऑल अगर मैं डोर की बात करूँ तो इस टाइप से कुछ डोर है इसका। यूटिलिटी स्पेस भी अच्छी है, स्पीकर प्लेसमेंट भी दिए हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है डोर हैवी और पूरा वेल मैनेज्ड बनाया हुआ डोर है ये। अब चलते डोर से थोड़ा अंदर की साइड ड्राइविंग सीट पर, वो देख लेते हैं। ये है इसकी फर्स्ट रो। यहाँ पे अंदर जाने के पहले एक चीज़ बता दूँ, जो सीट है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स है लाइक एनी अदर लग्जरी कार। तो इसको मैं एक बार मेरे बैठने के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ से ये हो जाती है, आप इसको प्रेस करोगे ऑटोमेटिक पीछे जाएगी, ये बैक रेस्ट भी ऑटोमेटिक आगे पीछे हो जाएगा यहाँ से। तो अभी मैं इसको मेरी पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ, फिर अंदर जाके बताता हूँ। मैं हो चुकी है सेट, अब जाता हूँ अंदर और फिर दिखाता हूँ। बाकी कुछ इस तरीके से दिखता है ये केबिन,
जो इसका फर्स्ट रो कैबिन है वो इस टाइप से दिखता है। इस गाड़ी में मुझे बैठने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, बट स्टिल दिस फुटरेस्ट, इसकी वजह से मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इस टाइप से इसमें अंदर आ गया क्योंकि मैंने सीट पूरी पीछे करी हुई थी। अब इसको एक बार बैक कैमरे से ठीक से दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर क्या है। बाकी यहाँ से देख लो ये पीछे तक का, ये जो रेयर प्रोफाइल है ये दिख रही होगी इस गाड़ी की। अब आते हैं अपन बैक कैमरे पे और इसको अच्छे से समझते हैं इस गाड़ी को क्या क्या है अंदर से फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर दिए हुए हैं, ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये भी बता दो। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप से दिखता है, आरपीएम मीटर और ओडोमीटर, बीच में एक छोटी सी एमआईडी दी हुई है, और ये इसका स्टीयरिंग, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं, मोड्स हैं आपके, क्रूज कंट्रोल का है यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल भी आ रहा है इस गाड़ी में सेट रीसेट करने का, ऑन ऑफ करने का। इधर से वॉल्यूम कंट्रोल है और ये कॉल वगैरह के मोड से कॉल वगैरह पिक करने के। ये ब्लू पंक का इसमें एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ आ रहा है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम। इधर पूरा लेदर रेप करा हुआ है, ये पूरा कंपनी साइड से ही करा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी लेदर फिनिश है यहाँ पर, ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पर। और बाकी यहाँ से आपका दोनों तरफ के मिरर एडजस्ट करने के, ये हिल होल्ड फीचर भी इसमें है गाड़ी में, ये आपके मिरर एडजस्ट करने के। लाइट लेवलर है नीचे, बोनट और फ्यूल लीड ओपन करने का ऑप्शन है। जस्ट बिकॉज ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो इसमें सिर्फ दो पेडल आएंगे आपका, ब्रेक एंड एक्सीलेटर, नो क्लच पेडल, कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है इस गाड़ी का। ये देख लो सेंटर कंसोल कुछ ऐसा दिख रहा है गाड़ी का। अभी गाड़ी के सेंटर कंसोल की अपन बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ब्लू पंक का एक इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, कंपनी साइड से लगवा रहा है। ये एसी कंट्रोल दिए हुए हैं सारे इसमें, ऑटोमेटिक है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, फैन के लिए है, मोड्स दिए हुए हैं, एसी के मोड आप चेंज कर सकते हो। नीचे एक यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये इसका गियर लीवर जो इसका है, यहाँ पे शिफ्ट लॉक का भी दिया हुआ, आपको गियर शिफ्टिंग लॉक कर सकते हो आप यहाँ से। और ये इसका 4x4 का जो लीवर है ये दिया हुआ है, नॉट लीवर, बटन, चल बटन आते हैं। ये हैंड ब्रेक इसका यहाँ पे। और इस साइड से अगर देखो तो ये आर्मरेस्ट है, काफ़ी तगड़ा आर्मरेस्ट है, विड्थ काफ़ी अच्छी है इसकी गाड़ी के हिसाब से। पूरा मैं इसमें प्रॉपर अपना हाथ रख के बैठ सकता हूँ, बहुत प्रॉपर दिया हुआ है यहाँ पे ये। और ये इसका 4x4 का इंगेज करने का इसका बटन दिया हुआ है। गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड दोनों साइड एयरबैग्स भी दिए हुए हैं, इवन इन पिलर्स पे भी एयरबैग दिए हुए हैं, सारे से एयरबैग्स आपको दिख रहे हैं। और आई थॉट पीछे की साइड कोई एयरबैग नहीं है पैसेंजर के लिए, आगे दिए हुए हैं जो भी एयरबैग्स दिए हुए हैं, तो ये सेफ्टी फीचर्स में है गाड़ी के। गाड़ी में कुछ इस टाइप की वी क्रॉस की बैजिंग के साथ सीट्स आती है, लेदराइट सीट्स है, ये गाड़ी के साथ ही आती है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, गाड़ी के साथ ही आपको प्रोवाइड की जाती है वी क्रॉस में। तो अब एक बार चलते हैं अपन गाड़ी के बैक साइड पे, सेकंड रो में चलते हैं गाड़ी के, देखते हैं सेकंड रो में क्या स्पेस है। बाकी फ्रंट रो में तो काफ़ी अच्छी स्पेस है, ये यहाँ पे देख लो आप, 5'8" हाइट है मेरी और बिल्कुल कम्फर्टेबली मैं इसमें प्लेस्ड हो चुका हूँ यहाँ पे। रियर व्यू मिरर की अगर बात करें तो ये कोई मैकेनिकली इसमें मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल अपना मिरर है जो ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, बट आप कर सकते हो इसमें अपने हाथ से मैनुअली इसको डिम कर सकते हो, ये चीज़ है इसमें। बीच में यहाँ पे लाइट्स जो है आपकी कैबिन लाइट ये लगी हुई है, कुछ दो लाइट्स इस टाइप से आती है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, इसके नीचे देखते हैं, यहाँ पे टिकट होल्डर नहीं है, इस साइड देखते हैं को ड्राइवर साइड टिकट होल्डर है, और शायद मिरर भी है, हाँ मिरर भी है, वैनिटी मिरर भी है यहाँ पे, नॉट टिकट होल्डर, ओनली वैनिटी मिरर। तो गाड़ी के सेकंड रो की तरफ और दिखाता हूँ सेकंड रो में कितनी स्पेस है, कितना कंफर्ट है, क्या क्या है। यहाँ से एक बार देख लो सेकंड रो की स्पेस, डोर इतना ओपन होता है और ये सेकंड रो की स्पेस, और सेकंड रो की सीट काफ़ी कुशनी लग रही है सेकंड रो की सीट। तो अब एक बार अंदर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ सेकंड रो। सेकंड रो के अंदर आना भी उतना ही ईजी है जितना फ्रंट रो में था, फुटरेस्ट यहाँ पे भी है और काफ़ी अच्छी स्पेस है अंदर आने के लिए। और बैठने के बाद देखो लेग स्पेस इतनी बच रही है, मैंने काफ़ी पीछे कर रखी थी सीट को, तब भी यहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेग रूम अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। और ये सेंटर, और जो सेंटर में हम पे ये भी काफ़ी छोटा है, तो बीच में जो पैसेंजर बैठता है उसको भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है ये ग्लास होल्डर के लिए यहाँ पे, और पीछे भी एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा। तो आराम से यहाँ पे भी काफ़ी
कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सीट बेल्ट सभी के लिए दिए हुए हैं, पीछे भी सेंटर में भी दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। और डोर की अगर बात करें तो सिमिलरली डोर में वही चीज़ है, एक पावर विंडो, क्रोम वाले हैंडल्स और लेदर राइट कुशन, यूटिलिटी स्पेस। तो ये है पूरा सेकेंड रो, एक बार देख लो इसका। पीछे हेडरेस दिए हुए हैं दोनों तरफ ही सीट में और काफ़ी अच्छे हैं। दो को पैसेंजर के लिए दिए हुए हैं, बाकी सीट सेंटर वाले के लिए नहीं है, बट अच्छा है, बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, आराम से तीन लोग बैठ सकते हैं। देख लो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे अलावा इतनी जगह खाली है यहाँ पे। 60-40 स्प्लिट सीट है, बट कोई यूज़ नहीं होता इस सीट का इस टाइप की गाड़ियों में, पर फिर भी ठीक है, सामान रखने के लिए भी काफ़ी स्पेस रहती है, इसको क्या करेंगे स्प्लिट करके। और सेकेंड रो से ये गाड़ी कुछ इस टाइप से दिखती है, ड्राइविंग कैबिन ऐसा दिखता है, ड्राइवर कैबिन। और एक बार आपको इसकी कमांडिंग पोजीशन भी बैठ के बताता हूँ आगे जाके मैं, कैसी लगती है इसकी कमांडिंग पोजीशन जब आप ड्राइव करते हो, उस टाइम बोनट कितना दिखता है, आगे रोड कितनी विजिबल होती है, ये बता देता हूँ। सो अभी मैं बैठा हूँ इसकी ड्राइविंग सीट पे, और यहाँ से देखो इसकी कमांडिंग पोजीशन, ये मैंने स्टीयरिंग पे हाथ रखा और मेरा फेस यहाँ पे, मतलब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मेरे को नज़र आ रहा है। और मेरे को कितना नज़र आ रहा है मैं अपने कैमरे से दिखाता हूँ आपको, मेरे को बोनट, मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा फेस जहाँ पे है बस वहां से ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इतना आपको बोनट दिखता है। और सामने रोड देख लो कितनी दिख रही है आपको, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके बताता हूँ। आप देखो इस टाइप से इसका कमांडिंग पोजीशन आएगी आपकी जब आप गाड़ी चलाओगे, तो कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही है इसकी कमांडिंग पोजीशन, दोनों तरफ से बोनट कितना विजिबल है ये बताओ आप, और रोड कितनी विजिबल है। अगर आप इस गाड़ी को लेते हो चलाते हो तो आपको इजी लगेगी चलाने के लिए या नहीं लगेगी, ये भी बताओ जल्दी कमेंट करके। अगर अपन बात करें वी क्रॉस के लगेज स्पेस की, तो अभी जो उसका लगेज है वो लॉक है, उसकी की अभी है नहीं, तो मैं आपको एस्केप में दिखाता हूँ। लगेज स्पेस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, तो इस टाइप से इसकी लगेज स्पेस रहती है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगेज स्पेस है इसमें, यहाँ से लेगा के वहाँ तक पूरा लगेज, एज वेल एज आप इसमें एक कैंपेनिंग भी बना सकते हो पूरा, बिल्कुल सेफ लगेज स्पेस है इसमें, काफ़ी बड़ी है, दिख भी अच्छी रही है। तो बिल्कुल सिमिलर उस गाड़ी की भी बिल्कुल ऐसी ही लगेज स्पेस आएगी जैसी आपको मैंने इसमें बताई है, सेम सेम यही चीज़ रहेगी उसमें भी। तो बताओ कैसी लगी है लगेज स्पेस, आपके काम की है या नहीं है ये भी बताओ मेरे को। लगेज स्पेस के अगर पूरे प्रॉपर फिगर की अगर मैं बात करूँ तो ये 5x5 इसकी लेंथ है और 5 इसकी विड्थ है, 5x5 की है ये, तो आराम से यहाँ पे सो सकते हो बिस्तर डाल के आप अगर कोई कैंपेन कर रहे हो तो। और सामान रखने के लिए तो अच्छी स्पेस है। अगर अपन बात करें गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में, तो आगे जो है स्प्रिंग सस्पेंशन है और काफ़ी हैवी सस्पेंशन है, मैंने नीचे से देखा है बट कैमरा शायद दिखा नहीं पाएगा आपको इतना वहाँ से, तो यहाँ से देख सकते हो आप। ये फ्रंट सस्पेंशन है, दोनों तरफ स्प्रिंग वाले सस्पेंशन है और काफ़ी हैवी सस्पेंशन है इसके, क्योंकि गाड़ी भी हैवी है तो इसको झेलने के लिए हैवी सस्पेंशन ही चाहिए। और कंफर्ट लेवल भी अच्छा आता है अगर सस्पेंशन इस टाइप के हैवी सस्पेंशन है। तो एक बार पीछे की साइड चल के बैक सस्पेंशन देखते क्या क्या दिया हुआ है। बैक साइड में जो दिए हुए हैं, एक तो शॉकर दिए हुए हैं ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ से, और दूसरा ही लीफ स्प्रिंग दी हुई है, कमानी जिसको बोलते हैं। तो ये लोड झेलने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लीफ स्प्रिंग दी हुई है, तीन पीस में लीफ स्प्रिंग है ये, यहाँ पे 1, 2, 3 और एक अपना ये शॉकर यहाँ पे दिया हुआ है। ये सस्पेंशन इसके दोनों साइड सेम है, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं ये, तो अच्छी चीज़ है ये दोनों, इसमें आगे पीछे दोनों सस्पेंशन अच्छे हैं, कंफर्ट लेवल अच्छा मिलेगा गाड़ी में। गाड़ी की ब्रेकिंग्स की बात करें तो फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हो गए आप। और रियर साइड की अगर बात करें तो इसमें ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं दोनों ही टायर में, आगे दोनों में डिस्क, पीछे दोनों में ड्रम दिए हुए हैं। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है एक बार चला के इसका ड्राइव इंप्रेशन बनाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको। तो एक बार ये गाड़ी की हाइट चेक कर लो, मेरी हाइट 5.8 इंच है, मैं इस पे साइड में खड़ा होकर बताता हूँ इसकी हाइट कितनी हो सकती है। गाड़ी ऑलमोस्ट 6 फीट से ऊपर है, गाड़ी 5.8 मेरी हाइट है और ये ऑलमोस्ट 6 फीट पर जा रही है गाड़ी। पीछे का इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, इवन मैं इसके नीचे जाके दिखाऊं तो पूरा फिट हो सकता है। ये है इस गाड़ी की कुछ एक्सेसरीज जो इसके फ्रंट पे लगती है यहाँ पर, जिसको आप बुलगार्ड बोलते हैं, जस्ट फॉर सेफ्टी फॉर दिस बम्पर, बाय चांस एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इस बम्पर को सेफ्टी मिल जाती है। अंदर की साइड रखा हुआ है जो नीचे दिख रहा है, ये वाला जो रखा है सिल्वर वाला ये, और ये ब्लैक एक्सेसरीज है, ये पीछे साइड लगती है गाड़ी के वहाँ पे, ये जो वहाँ पे दिख रही है गाड़ी खड़ी हुई,
इसमें लगी हुई है, इस टाइप से लगती है ये। क्रोम कलर में भी है ये, क्रोम में ये रखी यहाँ पे और ब्लैक में ये रखी। तो ये एक्सेसरीज अलग से आती है इसकी, इसकी कॉस्टिंग भी यहाँ पर बता देंगे आपको पटवा मोटर इसुजू पर इंदौर में। तो एक्सेसरीज भी अगर लगवाना हो तो आप इसमें लगवा सकते हो इस गाड़ी में। तो एक बार वी क्रॉस का लुक फिर से चेक कर लो चारों तरफ से। ये अपना ड्राइवर साइड वाला, गाड़ी काफ़ी लंबी है यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, बोनट ही काफ़ी लंबा है इसका। फिर उसका सेंटर जो कैबिन है दोनों, वो दोनों और पीछे साइड तो टायर के उस तरफ इतना ज़्यादा दूर तक जा रही है वो, मतलब गाड़ी की लेंथ काफ़ी लंबी है। तो ये है इसका ड्राइवर साइड से। एक बार फ्रंट साइड से फिर से देख लो, ये इसका फ्रंट, दोनों प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। इसको ऑन करके अभी डे टाइम में बताने का मतलब नहीं है, समझ में नहीं आ पाएगा। किसी दिन इसका रात को इसकी स्पेशल लाइट का रिव्यू बना दूंगा मैं, वो देख लेना। तो ये फ्रंट से कुछ इस टाइप से दिखती है गाड़ी, देखो तो इसको एकदम फ्रंट से ऐसा लुक आता है इसका फ्रंट का। अब को ड्राइवर साइड से देखो, ये इसका को ड्राइवर साइड से लुक है। काफ़ी लंबी गाड़ी है, देखने में काफ़ी लंबी है, शोरूम में खड़ी हुई है। रोड पर चलेगी तो इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी डिफरेंट ही होगा। किसी दिन पब्लिक रिएक्शन बनाएंगे इसका जब चलाएंगे। एक बार इसकी रूफ़ दिखा देता हूँ ऊपर से कैसी लगती है रूफ़ इसकी। ये रूफ रेल और ये रूफ रेल पीछे शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है इसमें, ये चीज़। तो कैसी लग रही गाड़ी कमेंट करके बताओ इसमें। और इसका एक कमर्शियल वेरिएंट भी आता है एस्केप, जो उस साइड खड़ा हुआ है, उसका रिव्यू आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। उसमें फीचर्स कम आते हैं और वह इससे काफ़ी कम प्राइस में आता है। इसकी प्राइस की इंक्वायरी के लिए आप पटवा इसुजू आओ इंदौर में, वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर प्राइसिंग वगैरह इसका बता दिया जाएगा, फाइनेंस कोटेशन वगैरह ये सारी चीज़ दे दी जाएगी, ये सारी चीज़ बता दी गई। एक और स्पेशल चीज़ इस गाड़ी में बताऊँ, ये गाड़ी पूरी SS स्टील से बनी है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें रस्ट नहीं आता है। पानी से धो इसको, कोस्टल एरियाज में भी आप रखो तो इसमें रस्टिंग नहीं आएगा। जनरली कोस्टल एरियाज में इशू आता है, अपने एरिया में नहीं है, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश जहाँ अपन रहते हैं वहाँ इशू नहीं है, बट कोस्टल एरियाज में आता है। और गाड़ी धुलती है तो रस्टिंग आती है, बट इसमें ये इशू नहीं आएगा। पूरी बॉडी इसकी जो है स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, तो ये इशू इसमें नहीं आएगा। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, आपको बोनट से पता लग ही गया होगा। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हो। डोर में आपको अलग से डैम्पिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर साउंड सिस्टम लगाते हो हैवी वाला तो। पीछे का इसका मेटल, ये ऊपर का फाइबर अलग से जो लगा हुआ है पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, काफ़ी तगड़ा है ये भी। और जो पीछे का ग्लास है ये भी बहुत बड़ा दिया हुआ है इसमें, तो बहुत इजीली मतलब रेयर व्यू विजिबल हो जाता है वहाँ से। बाकी फीचर अगर इसमें कुछ कम लगे हो या अच्छे लगे हो तो बताना। और ये इसका एक बार बैक से लुक ले लो, कैसी लग रही है गाड़ी आगे तक यहाँ तक। और अगर ये गाड़ी चाहिए तो पटवा मोटर्स पे आओ आप इंदौर, पटवा मोटर इसुजू यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इवन MP में सिर्फ एकमात्र यही डीलर है जो आपको ये गाड़ी यहाँ पे दे सकते हैं, बाकी कोई डीलरशिप नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगी आपको, अच्छा कोटेशन मिलेगा। यहाँ पे आओ, मैं कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह सब मेंशन करूँगा, विथ एड्रेस विथ लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा। और आपको कोई क्यूरी हो तो आप मेरे कमेंट पे भी कर सकते हो, ये लोग आपको रिवर्ट करेंगे यहाँ से। तो व्लॉग देखने के लिए थैंक यू। सो ये था मेरा इसुजू वी क्रॉस का रिव्यू, जो मैंने यहाँ पटवा इसुजू मोटर पटवा पर देखा, पटवा मोटर इसुजू इंदौर में जो अभी मैंने करा है, उन्हीं के सौजन्य से ये गाड़ी मेरे को मिली है। तो आप लोग भी बताओ कैसी लग रही है ये गाड़ी आपको। अगर आपका कोई प्लान हो तो आओ यहाँ पे शोरूम विजिट करो और लो, गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इवन आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय दिस ब्यूटीफुल और मॉन्स्टर मशीन वेरी सून। ये गाड़ी दिखेगी आपको मेरे पास बहुत जल्दी। और इसका ड्राइव इंप्रेशन देखना हो तो कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके नहीं भी बताओगे तो भी इसका ड्राइव इंप्रेशन का रिव्यू बहुत जल्दी डालूंगा मैं आपको। तो ये वी क्रॉस है, और ब्लॉग देखो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो थोड़ा सा इसको, तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अगर किसी को लेना है तो इसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी उनके पास। आई डोंट थिंक कि अभी MP में ये गाड़ी का रिव्यू किसी ने करा होगा पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये सिंगल डीलर है और यहाँ पर रिव्यू पहली बार मैं ही कर रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। तो कैसी लगी गाड़ी जल्दी से बताओ कमेंट करके मुझे।